बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा मुल्क पाकिस्तान प्यारा वतन, ये तरक्की कब करेगा? तब तरक्की करेगा जब अमीर लोगों से टैक्स पूरा पूरा लिया जाएगा। हम बात करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की, तरक्की याफ्ता ममालिक की, कि जनाब वहाँ पर ये सहूलतें हैं, ये कुछ है, वहाँ पर इतना कुछ किया जाता है, रियासत सब कुछ करती है, तालीम, सेहत, दीगर काम बड़ा ज़बरदस्त है जी। वहाँ पर 40-40% तक टैक्स लिया जाता है, जो अमीर आदमी उससे इतना टैक्स लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आप देखेंगे 22 करोड़ आबादी है और 20-22 लाख लोग मुश्किल टैक्स दे रहे हैं यहाँ पर, तो कैसे मुल्क चलेगा? अब आपने देखा कि इमरान खान साहब बड़े खुश हैं कि एफबीआर ने जनाब टारगेट से कहीं ज़्यादा अचीव करना शुरू कर दिया है, बड़ी बात है। अब ये चीज़ छुप तो नहीं सकती कि पाकिस्तान की मईशत में कितनी जान है, माशी तौर पर कितना पैसा पाकिस्तान में है या गर्दिश में होता है, तो उस पर कोई 10,000 अरब रुपया तो टैक्स होना चाहिए, यानी कलेक्शन होनी चाहिए। तो अभी हम 6,000 के टारगेट की तरफ जा रहे हैं और उसे इंशाल्लाह ज़्यादा अचीव कर लेंगे। आगे टारगेट जाकर 8,000 अरब का है। तो उस वाले से बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि 2,20,00,000 लोगों का डाटा हासिल कर लिया है एफबीआर ने, 2,20,00,000 लोग। अब ना सिर्फ ये कि ये वो लोग हैं जिनको टैक्स नेट में लाने का फैसला हो गया है आला सतही इजलास में, 2,20,00,000, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और इनका डाटा किस तरह कलेक्ट किया गया है? नादरा से 1.5 करोड़ लोगों का नादरा से डाटा इकट्ठा किया गया है और बाकी एफबीआर के जराए से इकट्ठा किया गया है। और अब इसमें यह किया जा रहा है कि तकरीबन हर महीने 3,00,000 लोगों को, 1,00,000 से 3,00,000 लोगों को नोटिसेस भेजे जाएंगे। अब ये किस तरह से डाटा कलेक्ट किया गया कि देखें, एक शख्स है जो टैक्स ही नहीं दे रहा, यानी वो कोई टैक्स रिटर्न ही नहीं जमा करवाता, कोई बताता ही नहीं है कि जी मैं इतना कमाता हूं और इतना मेरा टैक्स बनता है, मैं दे रहा हूं, लेकिन वो लाखों रुपया बिजली का बिल दे रहा होता है, गाड़ियां उसने जनाब करोड़ों रुपए की रखी हुई हैं, घर वो करोड़ों रुपए का है और इस तरह से जनाब खरीदारी वो चीज़ों की कर रहा है, लाखों रुपए की महीनों की खरीदारी करता है, बच्चे उसके जनाब जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनकी फीसें जनाब कितनी ज़्यादा हैं। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि आप अच्छा प्रॉपर्टी खरीद रहा है, तो अब ये नादरा हो, एफबीआर हो, इनसे ये सारा डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो अब उनके पीछे जाया जाएगा। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये कोई छोटी तादाद नहीं है, कम तादाद नहीं है, 2,20,00,000 लोग। और इसी वजह से सोचा जा रहा है कि ये नहीं होगा कि सारों के पीछे एकदम चला जाए और वो नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये हो सकता है कि जिनका नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा दौलत है, पहले उनकी तरफ जाया जाएगा। 1,00,000 से 3,00,000 का हर महीने टारगेट रखा गया है, इसी वजह से इतना ना फैला दिया जाए काम के संभाला ही ना जा सके, तो उनसे ये उनको नोटिस भेजे जाएंगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास इतनी दौलत है, आप करोड़ों अरबों रुपये के मालिक हैं, इतनी गाड़ियां हैं, दीगर चीज़ें हैं आपके पास, इतनी इतनी आपकी खरीदारी, जो भी डाटा जिस तरह से कलेक्ट किया गया है, तो आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे, ज़रा बताएं ना हमें आकर, टैक्स आपका बनता है तो वो दें। जब ये टैक्स कलेक्शन होगी तो तभी हमारे मुल्क में डैम्स बन सकेंगे, तभी हमारे मुल्क में कुछ भी आप कह लें, सेहत की सहूलतें हों, तालीम की सहूलतें हों, आप तरक्याती काम हैं, सड़क का काम किया जाता है, जी हाँ जी, ये सीवेज का मसला है, यहाँ जी कूड़ा उठाओ। अब इस वक्त हमारे यहाँ मुल्क में माहौलियाती आलूदगी सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, उसके लिए आपने अगर कुछ करना है, कुछ भी करना है, हुकूमत चलानी है, मुल्क चलना है, तो उसके लिए आपको पैसे दरकार है, जिस तरह घर चलता है। तो आप देखें वो टैक्स कलेक्शन हमें बढ़ानी है। अब उसके लिए इमरान खान साहब जनाब डटे हुए हैं, अब कई स्टेप्स पहले लिए गए और फिर वो माफिया से जब टकराते हैं आप तो रिएक्शन तो आता है। अब मिसाल के तौर पर 44 अरब रुपया कंपटीशन कमीशन ने शुगर माफिया को जुर्माना किया, 44 अरब रुपया, और वो उनको अदालत से स्टे मिल गया। इसी तरह से आप देखें एक के बाद एक के पीछे जाने की कोशिश तो हुई, पहले जनाब आप देखें कि आटा और चीनी जब महंगे हुए तब GIT भी नहीं, वो सारा कुछ हुआ। तो अब आहिस्ते आहिस्ता ये हो रहा है कि ऊपर से लेकर नीचे तक अब आया जा रहा है कि जनाब उनका भी पीछा किया जाए। अब आप देख लें कि एक तरफ हम देखते हैं जो ही ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम आपने सुना कि वो आ गया है, अभी मैंने खबर देखी कि कई बोरियां पकड़ी हैं चीनी की, इतनी बड़ी बड़ी बोरियां, क्योंकि उनके ऊपर वो ट्रैक ट्रेस सिस्टम नहीं था कि भाई कहाँ से आ रही हैं, कितनी कहाँ जा रही हैं, किस गोदाम में कितनी पड़ी हैं, वो सब एक, अब हर बोरी पर एक टैग होगा, उसके बगैर अब शुगर इंडस्ट्री से आप नहीं निकालेंगे बोरी, ताकि पता लगे कि वो जब झूठ बोलते थे कि जी हमने तो जनाब फर्ज करें मिसाल दे रहा हूँ कि जी 100 बोरियाँ हमने बेची हैं, तो बेची आपने जनाब 150 होती हैं और 100 का सिर्फ आप टैक्स दे रहे होते हैं और बाकी जनाब इधर उधर दूसरा खाता बनाया हुआ है, वो 50 आप दिखाते ही नहीं, तो आप एक एक चीज़ का वो होगा। तो इस तरह से आप देखें बारी बारी सबकी बारी आ रही है, अभी सीमेंट सेक्टर है, ये सिगरेट का सेक्टर, दीगर सबकी बारी आनी है। अब उसमें आप देख लें रियल इस्टेट सेक्टर का आप देख लीजिए, उसके हवाले से हुआ है कि गैर रजिस्टर्ड रियल इस्टेट एजेंसियाँ हों, प्रॉपर्टी डीलर्स हों, वो काम नहीं कर सकेंगे आप, जनवरी से लास्ट कह दिया गया है, उन सबको FBR में रजिस्टर होना होगा। ये अब रजिस्ट्रेशन का अमल आगे बढ़ रहा है, इसी से मामलात आगे बढ़ने, इसी से मुल्क चलना है।
अब आप देखें कि ये भी कोशिश हुई कि ताजरों को, जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल होता है कि भाई आप कितना माल बेच रहे हैं पता तो लगे, आप लोगों से तो टैक्स ले रहे हैं, जो चीज़ आप और मैं ख़रीदते हैं जाकर उसमें तो टैक्स हम दे रहे हैं, लेकिन जब वो शख्स, वो तो टैक्स हमसे ले लिया लेकिन उस चीज़ पर वो कितना कमा रहा है। एक शख्स फ़र्ज़ कीजिए कि मैं मिसाल देता हूँ, टी वी फ़र्ज़ करें बेचता है जी, वो रोज़ाना के 10 टी वी बेच रहा है, लेकिन वो उस हिसाब से जितनी वो कमाई वो शो करता है वो दिखाता है जी मैं तो एक बेचता हूँ जी, मेरी तो कमाई इतनी है, तो ये नहीं होना चाहिए। अब उसके लिए जनाब ताजर और इसी तरह से दीगर चीज़ें, वो कहते हैं जी हम तो एहतजाज करेंगे छोड़ेंगे नहीं, अभी उन्होंने इस्लामाबाद में जाकर एहतजाज किया, वो कहते हैं जी हम 13 तारीख को फिर आएंगे, छोड़ेंगे नहीं, ये करेंगे, फिक्स टैक्स लें हमसे और सेल्स पॉइंट्स मंजूर ही नहीं है, ये उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया जी इस्लामाबाद में। अब मुझे बताएं हम में से कोई मुझ समेत कौन टैक्स देना चाहेगा, बाहर भी नहीं होता, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ बाहर पकड़ी गई कि जी आपको इतना टैक्स मिलता था आपने इतना दिया है, तो वहाँ पर कानून लागू किया जाता है और पूरी दुनिया में यही उसूल है। ये आप देखें कि अल्लाह ताला का भी यही कानून है कि जो ज़कात का सिस्टम है, दीगर आप देखिए कि जिस तरह से आप कमा रहे होंगे ताकि आपने अपने गुरबा का, मसाकीन का, अपने रिश्तेदारों का, दीगर लोगों का ख्याल करना है, इसी तरह आपका वतन है उसने किस तरह हुकूमत किस तरह से चलनी है। तो टैक्स देंगे ये तो हमारे हॉस्पिटल बनेंगे जहाँ पर गरीब लोगों का इलाज होगा, जहाँ पर डॉक्टर्स की फ़ीस जाएगी, पुलिस का महकमा, कुछ भी आप देख लीजिए, तो ये बहुत बड़ा फलाही काम भी है कि अपने घर को चलाने के लिए, अपने वतन को, रियासत चलाने के लिए आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये लेना पड़ता है जी। कोई बंदा नहीं देना चाहता टैक्स दुनिया में, ठीक है, हर कोई वो अपना बचाना चाहता है। तो अब ये बहुत बड़ी खबर है और अब इस पर इमरान खान साहब खुश भी हैं और वो डटे हुए हैं। अब जिन जिनको नोटिस जाएंगे या जिस तरह से ताजिर हो गए जी 80 लाख तादाद है, लोग नाराज़ भी ज़ाहिर होते हैं, कोई भी जनाब जिससे भी टैक्स लिया जाएगा, मुझसे भी लिया जाता है, तो यानी होता तो है कि यार ये पैसे बच जाते तो क्या बात थी जनाब, लेकिन टैक्स देना पड़ रहा है आपको। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने खुशी का इजहार इस तरह भी किया है कि जी माह नवंबर के दौरान वसूलियों में पिछले साल से 35%, जबकि 5 माह के दौरान 37% इजाफा हासिल करने पर मैं FBR की टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और पूरा ग्राफ भी उन्होंने शेयर किया है। तो ये नज़र ये आ रहा है कि अब इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वो जिस तरह हमेशा कहते थे कि जी मैं टैक्स लेकर दिखाऊंगा, तो अब उस तरफ मामला जा ज़रूर रहा है। तो ये टैक्स जब इतना ज़्यादा इकट्ठा होगा, इंशाल्लाह अल्लाह करे वो दिन आए कि पाकिस्तान में जितना टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, जितनी दौलत है उस हिसाब से टैक्स इकट्ठा हो, फिर वो गरीबों पर खर्च किया जाए, वो टैक्स गरीबों पर खर्च किया जाए। और अगर कहीं इस तरह से होता है, महंगाई आती है, तो फिर डायरेक्ट सब्सिडी गरीबों को दी जा सके, उनको फ़ायदा दिया जा सके, उनको बिजली भी सस्ती, जो गरीब आदमी है उसको बिजली भी सस्ती मिल रही हो, उसको पेट्रोल भी सस्ता मिल रहा हो, उसको खुराक भी जनाब बाकी की नस्बत सस्ती मिल रही हो, उसको इस तरह से टारगेट किसान है, यानी अमीर से लेकर रकम वो गरीब तक पहुँचाई जा रही हो, यही तरक्की है, यही खुशहाली है, और इसी से मुल्क आगे बढ़ सकता है और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। आप इस चीज़ को कितना ठीक समझते हैं कि ये 2 करोड़ 20 लाख लोग, उनमें आप भी हो सकते हैं, जो लोग टैक्स नेट में अभी नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? आप समझते हैं सही है इस तरह से ये सारा डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है दुरुस्त है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।